नमस्कार, मैं हूं अविनाश पाठक। आईबीसी 24 की खास पेशकश जन कारवां में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि जन कारवां एक ऐसा मंच है जिसके जरिए लगातार आईबीसी 24 जनता के बीच जा रहा है, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं कितनी सुलझ पाई हैं, विकास के जो दावे हैं वो कितने पूरे हो पाए हैं। और मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और, क्योंकि छत्तीसगढ़ को भगवान श्री राम का ननिहाल कहा जाता है, तो एक और छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रभु श्री राम के ननिहाल को संवारने का जिम्मा उठाया है, राम वन पद गमन की शुरुआत की है। तो वहीं IBC 24 उन्हीं रास्तों पर चलते हुए, प्रभु श्री राम के रास्तों पर चलते हुए ये जानने की कोशिश कर रहा है कि भगवान श्री राम के रास्ते पर चलते हुए लोगों ने जो सुराज का सपना देखा था, छत्तीसगढ़ सरकार के लोगों ने जो विकास का सपना देखा था, वो सपना पूरा कितना हो पाया है। तो इन तमाम बातों को जानने के लिए IBC 24 हर जिले में जा रहा है। सीतापुर के हरचौका से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर और रायगढ़ होते हुए जन कारवा आज पहुंच चुका है शक्ति। और शक्ति में इस समय मेरे साथ यहाँ के गणमान्य लोग मौजूद हैं, तमाम जनता यहाँ पे मौजूद है, वो चेहरे भी आपको नजर आएंगे जिन पर आप लोगों ने विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। तो वक्त आ गया है, क्योंकि चुनावी साल है, तो वक्त आ गया है कि हम जनता की नब्ज टटोले कि आखिरकार जनता उन्हें कितना अंक देती है। जो वादे उन्होंने विकास के किए थे, जो दावा उन्होंने विकास का किया था, वो दावा कितना पूरा हुआ है। तो इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, बारी बारी से चर्चा करेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता दूं कि IBC 24 सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत एक मुहिम चला रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे मध्य प्रदेश में, और हम चाहते हैं कि विधानसभा चुनावों में 100% मतदान हो। और इसके लिए हम हर जिले में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि विधानसभा चुनावों में आप मतदान जरूर करें। तो आज भी हम इस कार्यक्रम की शुरुआत इसी कार्यक्रम के तहत करेंगे। हम सभी एक शपथ लेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में हम मतदान जरूर करेंगे। तो आप सभी अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, हम एक छोटा सा शपथ लेंगे मतदान का, और उस शपथ के बाद फिर विधिवत तौर पर हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं जो शपथ की लाइन दोहराऊंगा, आप सभी अपना हाथ आगे करके उन लाइनों को दोहराएंगे, अपना दाहिना हाथ आगे करेंगे, प्लीज़ मेरे साथ दोहराएंगे। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि जाति धर्म और संप्रदाय से परे हटकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान अवश्य करेंगे, दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद, आप सभी का, बैठ सकते हैं अब आप। तो जन कारवा पहुंच चुका है शक्ति, शक्ति जो कि नवगठित जिला है। अभी अभी शक्ति ने एक नई पहचान बनाई है, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नए जिले का गठन किया है। शक्ति जिले की बात करें, 3 विधानसभा सीटें हैं और इसमें से फिलहाल 2 पर कांग्रेस काबिज है, 1 पर बसपा। इस क्षेत्र में बसपा का भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा है, लगातार बसपा इस क्षेत्र से जीतती आई है। तो इस क्षेत्र में बसपा का भी, इस क्षेत्र को गढ़ कहा जाता रहा है, बीजेपी भी इस क्षेत्र में जीतती रही है, कांग्रेस भी काफ़ी मजबूत है। और इस सीट को हाई प्रोफाइल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि स्पीकर चरणदास महंत यहाँ के विधायक हैं। तो पूरे प्रदेश की निगाह इस शक्ति विधानसभा सीट पर भी लगी हुई है। शक्ति में हम आए हैं और चूंकि सरकार भी कांग्रेस की है, विधायक भी कांग्रेस के हैं और एक महत्वपूर्ण पद पर है, तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि 4.5 सालों के कार्यकाल में कांग्रेस ने क्या किया है, विधायक ने क्या किया है। चूंकि विधायक जी यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद है, तो हम उससे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा, क्या लगता है 4.5 सालों के कार्यकाल की बात करें, कितना कुछ विकास हुआ है क्षेत्र में, कितने संतुष्ट लगते हैं आप? 4.5 साल पहले लगातार 15 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी। उस 15 साल में इस शक्ति विधानसभा में सिर्फ वादे ही किए गए, और सबसे बड़ी मांग जो शक्ति को जिले बनाने का था, हर चुनाव में वादा किया जाता था कि जिला यदि बनेगा छत्तीसगढ़ में तो वो शक्ति बनेगा, लेकिन बन नहीं पाया। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में, अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में जितने काम हुए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने काम हुए हैं, कृषि के क्षेत्र में जितने काम हुए हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ PWD का संभागीय कार्यालय खुल गया, हाउसिंग बोर्ड का संभागीय कार्यालय खुल गया, कृषि विभाग का उप संचालक कार्यालय खुल गया, हाँ दारू विभाग का कार्यालय भी नहीं खुल पाया है। वैसी स्वास्थ्यगत बात देखें तो आज से 6 साल पहले यहाँ मातृ शिशु के लिए 8 करोड़ का एक हॉस्पिटल तत्कालीन विधायक ने बनवाया था, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई स्टाफ नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था। आज
यहाँ उसमें पूर्णतः डॉक्टर हैं, महिला डॉक्टर हैं, शिशु रोग डॉक्टर हैं। चलिए मैं आऊँगा आपके पास। कांग्रेस ने तो विकास कार्यों की पूरी लिस्ट तैयार कर रही है, क्या लगता है पूरा विकास हो रहा है लगातार 4.5 सालों में? विकास तो हम लोग बहुत समय से खोज रहे हैं। देखिए ये राम का ननिहाल है, कौशल प्रदेश है, यहाँ शराबबंदी होना चाहिए। ऐसे जहाँ शराबबंदी होना चाहिए, राम के ननिहाल में शराब घोटाला हो रहा है। 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है। विकास कहीं खोजने पे नहीं मिल रहा है। यहाँ पानी नहीं मिल रहा है, अभी रेस्ट हाउस में पानी नहीं है, हाथ धोने के लिए पानी नहीं है, अभी पूरे नगर में पानी की समस्या है। ये सब क्यों नहीं दिख रहा है इनको? ये तो पूरी कहानी लिख रहा है विकास की। देखिए जिला बनाया, बहुत अच्छा किया, जिला बनना ही चाहिए, लेकिन जिला बनाने के पहले वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ जल की सुविधा है कि नहीं, पेयजल की सुविधा है कि नहीं, ये व्यवस्था पहले करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने यहाँ जल आवर्धन योजना के अंतर्गत यहाँ के पेयजल समस्या को ठीक करने के लिए एक योजना पास किया है, वो मिरोनी बराज से पानी यहाँ लाने का है। उसको भी कांग्रेस की सरकार ने रोक रखा है, अभी तक उसको क्रियान्वयन नहीं किया। क्यों विकास कांग्रेस को नजर नहीं आ रहा है? क्यों कांग्रेस को विकास ही विकास दिख रहा है? ये बोलती है कि 4.5 सालों में खाली डेवलपमेंट हो रहा है। एक बड़ी समस्या तो पानी की भी है, यहाँ लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत है, क्या लगता है? देखिए विकास 4.5 साल में बिल्कुल ठप है। पूरे छत्तीसगढ़ में कोई विकास कार्य किसी भी पंचायत में नहीं हो रहा। आप अगर सब पंचायतों में जाएंगे कहीं कोई काम नहीं हो रहा। आज चंद्रपुर में अगर आप देखेंगे तो चंद्रपुर में सड़कें बदहाल हैं, वहाँ स्वास्थ्य सुविधा बदहाल है, वहाँ पे शिक्षा बिल्कुल बदहाल है, और वहाँ पे मुआवजे पे दलाली हो रही है, बैराज के मुआवजे पे दलाली, और जो डुबान का मुआवजा है और जो किसानों का मुआवजा है, हर जगह दलाली, रेत में दलाली, ऐसा तमाम भ्रष्टाचार पूरे छत्तीसगढ़ में व्याप्त है। रेत माफिया हो, कोयला माफिया हो, शराब माफिया हो, पूरा भ्रष्टाचार अभी छत्तीसगढ़ में खुले तौर पे साफ नजर आ रहा है और विकास बिल्कुल ठप है। एक बड़ा आरोप है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है, ये सीधा सीधा आरोप सयोधा सिंह जुदेव जी लगा रही है। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय खिलावन जी ने एक बात कही कि पानी की यहाँ समस्याएं हैं, यहाँ पानी में कुछ नहीं हो रहा है, इनको जरा नॉलेज कम है। 110 करोड़ का टेंडर हुआ है, काम स्टार्ट हो गया है, शक्ति बुधवारी बाजार में 10 लाख लीटर का पानी टंकी बन रहा है जो 75% बन गया है। बैराज में वहाँ जाके देखे, वहाँ समवेल स्टार्ट हो गया है, और टेमर के पास वहाँ पर हमारा पानी आ रहा है वो स्टार्ट हो गया है। हमारा जल्द से जल्द पानी की समस्या दूर हो जाएगी। और दूसरी बातें, इन्होंने बोला शराब के बारे में, शराब की नीति किसने लाया? रमन सरकार ने लाया, हमने नहीं लाया है। शराबबंदी की बात लेकिन कांग्रेस सरकार ने भी की थी। शराबबंदी किए हैं, धीरे धीरे रखिए, हमने 36 वादे किए थे लेकिन हमने 51 वादे पूरे किए हैं। 36 में सबसे बड़ा वादा किया। जवाब लेता हूँ, 36 वादे किए थे, 51 वादा इन्होंने पूरा कर लिया, ये बात कही जा रही? आप तो लगातार ये बोल रहे हैं कि सरकार वादा पूरा नहीं कर रही। 36 वादों में से कौन सा वादा पूरा किया है पहले वो जवाब दे। 51 वादे तो बहुत दूर की बात है, 36 वादों में कौन से वादे उन्होंने पूरे किए? तैयार रहेंगे, मैं आ रहा हूँ जवाब के लिए जी। बंदी की बात हुई थी, नहीं हुई। 100 समाहिता समूह के कर्ज माफी की बात हुई थी, वो नहीं हुआ। बिजली बिल आज डबल ट्रिपल आ रहा है, आज किसान परेशान घूम रहे हैं। आज युवा वर्ग को 2500 बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई थी, यहाँ बैठा एक भी युवा बता दे कि उसको बेरोजगारी भत्ता आज तक मिला है। नौकरियों की बात हुई थी, यहाँ बैठे कितने लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं, जहाँ पे 4-4 लाख की बोर्डिंग होर्डिंग्स लगती है कि नौकरियां दी हैं, लेकिन विधानसभा की पटल पे बात हजारों पे सीमित हो जाती है। तो कहाँ विकास हो रहा है और कौन से वादे? होर्डिंग्स पे विकास हो रहा है, बैनर पोस्टर्स पे विकास हो रहे हैं क्या? सीधा आरोप है। 36 वादों में सबसे बड़ा वादा था किसान को कर्ज माफ करना, बिजली हाफ करना, सेकेंड 2500 रुपये क्विंटल में धान देना। हमारे छत्तीसगढ़ में 80% किसान रहते हैं, तो 80% तो हमने पहले ही एक स्ट्रोक में हमने वादे पूरे कर दिए। अब बचा 20% लोग, उसमें हमने क्या किया? लोगों को हमने क्या किया? गोबर का भी हमने 2 रुपये लोग गोबर खरीद रहे हैं ना, लोगों को जो निम्न जिनके पास नौकरी, राज्य सरकार की योजना राज्य ठीक है हुआ ना। इसके बाद हमने क्या किया है लोगों को, अभी जो युवाओं को भत्ता देना स्टार्ट किया है, क्या है ना सर? इन्हीं भत्तों पे बीजेपी सवाल उठा रही है, मैं आऊँगा आपके पास, आऊँगा, कुछ युवा है मुझे लगता है उनसे बात करेंगे जी। कांग्रेस और भाजपा, जो 15 साल से भाजपा सरकार ने 44,000 करोड़ रुपया का छत्तीसगढ़ में कर्जा कर, और उसका रिकॉर्ड जो भूपेश जी ने 58,000 करोड़ से भी ज़्यादा कर्जा छत्तीसगढ़ में लादा है, और
मैं यही कहना चाहता हूं कि भाजपा और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन लोगों ने छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया और हम लोग एक स्वच्छ राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली पर हम राजनीति करने वाले लोग हैं। चलिए चलिए बताइए क्या कहें। देखिए क्या है, 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। ये तो दावे कर रहे हैं ना, होल्डिंग्स में लगाए हैं जी, और अभी बता रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। अरे भैया भूपेश बघेल जी, ऐसा कौन सा नियम निकाले हैं जो जिसके घर में सरकारी नौकरी हो और जिसके घर में अगर किसी को कोई जॉब हो उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा, और जिसके घर में दो भाई हैं उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले मैं भूपेश बघेल से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि बकाया राशि एक लाख 30,000 रुपए सबसे पहले भूपेश बघेल जी वाओं को दे। चलिए कुछ और ही हुआ है, उनसे भी हम सवाल लेंगे जी। सबसे पहले जन कारवा की टीम को, आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आप मुद्दे के लिए आए हैं। पीएससी के जिस तरह से घोटाला हुआ है और युवाओं में जिस तरह अविश्वास का माहौल है, इससे बड़ा युवाओं के लिए दर्द और पीड़ा का विषय कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके लिए हम 19 तारीख को सीएम हाउस घेराव करेंगे और जहां तक लड़ाई करना पड़ेगा हम लड़ेंगे। और सवाल लेते हैं, लगातार विपक्ष भी यहाँ पे मौजूद है जी, कुछ कहना चाह रहे हैं जी? चश्मा तो मैं लगाया हूँ, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष जी, उनके प्रतिनिधि जी बोल रहे हैं कि खिलावन जी बोल रहे थे करके, खिलावन तो मैं हूँ है ना। मेरा सवाल ये है माननीय पालिका प्रतिनिधि जी से कि जो शक्ति में जो तोड़ फोड़ हुआ है, क्या नगर पालिका से इसका विधिवत प्रस्ताव हुआ था? अगर हुआ था या नहीं हुआ था उसको भी बताएंगे। दूसरा, ये जो तोड़ फोड़ हुआ है क्या यह सही है या गलत है, इसकी जानकारी मुझे देंगे। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, उधारी बाजार की बात कर रहे हैं? उधारी बाजार की बात कर रहा हूँ। ये तो तोड़फोड़ हुआ है नगर पालिका की सहमति से हुआ है, उनके प्रस्ताव से हुआ है, सही हुआ है कि गलत हुआ है, इसको डिक्लेयर करें। 28 एकड़ जमीन का, ये भी तो लोग पूछ रहे हैं ना। कितने एकड़ का? 28 एकड़ का उधारी बाजार का मार्केट है, पूरी जमीन पे अतिक्रमण ये बात कही जा रही है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, मेरा क्वेश्चन है उसको बताएं। उधारी बाजार शक्ति का एक बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ी बात की जो अतिक्रमण की कार्रवाई हुई उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो कागजों में 28 एकड़ जमीन है वास्तविक में दिखती नहीं है, क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि जैसे शक्ति नया जिला बना है तो जिले की उन्नति के लिए कुछ न कुछ तो तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, और हमने पूरे विधिवत तरीके से परिषद से प्रस्ताव पास किया है और आगे में 14 तारीख को हमने प्रस्ताव ये भी पास किया है कि जो प्रभावित लोग हैं उनको सरकारी जमीन दी जाएगी, दुकानें बना कर दी जाएगी। अब वहाँ जो है एक मोटरसाइकिल जाने की स्थिति नहीं थी, वहाँ पर जो है पुलिस आरक्षी केंद्र बना है तो वहाँ फायर ब्रिगेड भी जाएगी, बड़ी गाड़ियां भी जाएंगी, इसलिए उस हिसाब से उसको तोड़फोड़ की गई है और किसी को कोई परेशानी नहीं है। कुछ और सवाल लेते हैं जी। मैं संदेह रूप से ये बताना चाहता हूँ, एक तो बहुत प्रतीक्षित मांग शक्ति जिला, हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक डॉक्टर चरणदास महंत जी बने तभी शक्ति जिला बना। अब शक्ति जिला का कायाकल्प करना है, उनकी सोच है, उनकी मंशा है, शक्ति जिला छत्तीसगढ़ के मॉडल जिला में दर्ज हो। यही तो सवाल है ना कि कब तक पूरा होगा। में जो प्रशासन के द्वारा किया गया है मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि वह मेन बुधवारी बाजार है, नया सिरा से कायाकल्प कर व्यवस्थित करेंगे। ये कुछ और सवाल लेते हैं, कुछ कहेंगे आप जी? देखिए, इनके द्वारा बोला जा रहा है जिला बना दिया गया, जिला में कोई सुविधा नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे भाई लोग से कि कांति कुमार कॉलेज, कांति कुमार भारती कॉलेज में जहाँ जिला कार्यालय अभी संचालित है वहाँ कॉलेज चला करता था, और कॉलेज को आधा खाली कर रखकर जिला कार्यालय बनाए गए हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कॉलेज की कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी अभी इनके द्वारा शक्ति कॉलेज को भी खाली कराए जाने का एक नोटिस जारी हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि युवा जो हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज पढ़ाई करना है, उनके लिए इनके द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? चलिए कुछ और युवा भी हैं, पहले उनसे भी बात करते हैं। आप बताएंगे क्या जी, कुछ कहना चाहेंगे? मैं चंद्रपुर विधानसभा से हूँ, मैं चंद्रपुर का बात बोलूँगा। मैं नगर पंचायत डबरा में रहता हूँ।
पिछले 10 साल में नगर पंचायत में जब भारतीय जनता पार्टी में हमारे युद्धवीर सिंह जुदेव जी जब विधायक थे तो क्या प्रगति हुई, और अभी 4.5 साल में जब से कांग्रेस सरकार आई है तो नगर पंचायत डभरा में क्या उन्नति हुई ये बताएं। सबसे बड़ी बात, किसानों का जो मुआवजा है, बैराज का जो मुआवजा है, वो मुआवजा को भी नहीं दे रहे हैं, और वो मुआवजा कई लोग का निकल चुका है, वो किसान को उस मुआवजा मिला ही नहीं है। चलिए कुछ और युवा उनसे भी हम बात करेंगे। कुछ कह रहे थे आप जी उधर। मुख्यमंत्री जी 2 बार शक्ति आए हैं और दोनों बार सार्वजनिक रूप से शासकीय महाविद्यालय की घोषणा किए हैं। अगर 4 साल में मुख्यमंत्री की घोषणा में शासकीय महाविद्यालय नहीं बन पा रहा है तो ये कैसे बोलते हैं कि इनकी सरकार विकास कर रही? कहाँ है विकास? मुख्यमंत्री आके बता दे। यही तो ढूंढने निकले हैं ना कि कहाँ है विकास, क्या कहेंगे जी। हमारे अड़भार नगर पंचायत में भी विधायक महोदय ने जीतने के बाद तत्काल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक अतः पता नहीं है सर। और ऊपर से उनसे सवाल पूछा जाता है मीडियाओं कर्मियों से तो उल्टपटांग जवाब देते हैं वो। बुदली से अड़भार सड़क निर्माण होना था, उसमें एक सवाल पूछे प्रिंट हलधर रात्रे जी ने, तो उनको बहुत गलत तरफ से अभद्र व्यवहार किया गया। चलिए कॉलेज की एक मांग है जो पूरी नहीं हो पाई, ये भी बात की जा रही। सड़क भी इस क्षेत्र का एक बड़ा मुद्दा है, उस पर भी हम बात करेंगे। कुछ और युवा है उनसे भी हम सवाल लेते हैं। पहले कुछ कहेंगे आप लोग जी। ये भाजपा और कांग्रेस की सरकार की जो नीति चली इतने दिन से, एक भी वादा पूरा नहीं किए हैं। रोजगार के विषय में हम लोग चर्चा करें तो युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और आने वाले चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कॉलेज को लेकर लगातार मांग की जा रही है कि कॉलेज की स्थापना नहीं हो पा रही है, क्यों? सबसे पहले तो कॉलेज के बारे में जो बोल रहे हैं ना, इन्हें आधा ज्ञान है। देखिए कॉलेज क्रांति महाविद्यालय में कलेक्टर ऑफिस बना है तो उससे कॉलेज की पढ़ाई में नुकसान नहीं हो रहा है? कॉलेज कहीं फर्क नहीं पड़ा है? पता लगा लीजिए, पूरी क्लास लग रही है, पूरा बच्चे पढ़ रहे हैं। कलेक्टर ने अपनी व्यवस्था करके नीचे में ऑफिस लगाई है, ऊपर में कॉलेज लग रहा है, पहले पता लगा लीजिए ध्यान से। सेकंड बात, हमने 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे कि गर्ल्स कॉलेज शक्ति में खुलेगा, अब 1 साल होने के बाद खुल रहा है। तो हम जवाहरलाल नेहरू विद्यालय को खाली नहीं करा रहे, ध्यान दीजिए। जवाहरलाल नेहरू विद्यालय में एक शिफ्ट में मॉर्निंग शिफ्ट में बच्चियां पढ़ेंगी, सेकंड शिफ्ट में बच्चे पढ़ेंगे। एक सेकंड, कोई कॉलेज लूटा नहीं जा रहा है, कॉलेज वहीं रह रही है। इनको ज्ञान आधा है, देखे सुने। चलिए आधा ज्ञान है, ज्ञान दुरुस्त कर लें ये सलाह दी जा रही जी। अभी एक मेरे भाई ने चंद्रपुर अड़भार और बुंदेली के बारे में कहा है, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब अप्रैल पिछले साल आए थे तो 75 साल में वो सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री जी उस सड़क के लिए घोषणा किए हैं। ये बताएं कि 15 साल में ये लोग क्या कर रहे थे? चलिए इसका भी हिसाब लेंगे कि 15 सालों में इन्होंने क्या किया है। शक्ति क्षेत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है जिसको लेकर मुझे लगता है कि जवाब मिलना चाहिए। मैम आपसे जानना चाहूँगा, इस क्षेत्र में ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग लंबे समय से चली आ रही है, रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की मांग की जा रही है, क्यों बीजेपी इस ओर प्रयास नहीं कर रही है? क्योंकि लगातार यहाँ के जो शक्ति के लोग हैं उन्होंने खासतौर पर मुझे कहा कि ये सवाल जरूर पूछिए। देखिए कांग्रेस सरकार पिछले 4.5 साल सिवाय घोषणाओं के और कर क्या रही है? केवल घोषणा हो रही है, और घोषणाओं के बाद उनको आज अगर इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे तो जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा है। हर जगह हर पंचायत में चाहे विधायक हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे सांसद हो, घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि उसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की, तो 4.5 साल से घोषणा के बाद आज तक वो सड़क बनी क्यों नहीं? पहले बना के दिखाएं, काम करके दिखाएं। हम लोग ने तो 15 साल में बना के दिखाया है, काम करके दिखाया है। चलिए पीछे लोगों से भी बात करेंगे जी जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस के हमारे बंधुओं को कि आज महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रही है कांग्रेस सरकार के द्वारा, जिन्होंने आज हमारे महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से संचालित कर रही थी रेडी टू ईट, उस रेडी टू ईट को छीनने का भी काम किया है, और महिलाओं के हजारों परिवारों में पेट में लात मारने का काम किया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि इसके घोषणा पत्र में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानिनों बहनों के लिए घोषणा किया था, क्या घोषणा पूरा हुआ है कि नहीं? कुछ युवाओं से भी सवाल लेते हैं क्योंकि फीडबैक तो आम जनता देगी ना, मुझे लगता है आम जनता से पहले फीडबैक लेते हैं। ये बताइए, जो विकास के दावे किए जा रहे हैं, आप बताइए, बहुत देर से स्माइल दे रहे हैं, विकास के जो दावे किए जा रहे हैं कितना सच्चाई है? पहले आप उन लोगों की सुन लीजिए, बताइए। आइए आइए,
बताए। कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे? हाँ सर, छत्तीसगढ़ में 4.5 साल से भूपेश बघेल की सरकार है, लेकिन यह सरकार भ्रष्टाचार, करप्शन, घोटालाबाजी से पूरी तरह से आच्छादित है। अभी आप डोंगिया सुलोनी और कटारी मार्ग जाकर देखिए, रोड में कितना गड्ढा है। अगर आदमी शाम को या दिन में कहीं भी ट्रेवल करता है वहाँ पे, तो जान जोखिम का काम है। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं, बहुत देर से युवा बुला रहे हैं। जी आप कुछ बोल रहे हैं सर? भैया आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा, ये लोग खाली विधायक के लिए पूछ रहे हैं, 20 साल से मैं सांसद देख रहा हूँ, शक्ति का वही है, मगर यहाँ रेलवे चुना तो आप लोगों ही ने है ना? हमने चुना है, क्यों चुना था? कि यहाँ रेलवे का कुछ साधन होगा, कुछ होगा। आज तक कुछ साधन हुआ क्या रेलवे का? एक तो रेल खड़ी नहीं हो पा रही है, एक तो रेल नहीं दे पा रहा इन लोग, तो क्या करेंगे बताइए? केंद्र में उन लोग हैं जो रेल नहीं दे पा रहे, एक तो रेल रुकवा रहे हैं तो रेल नहीं रुक पा रहे। ट्रेनों को लेकर बार बार बात कही जा रही है कि ट्रेनों की स्टॉपेज नहीं हो रही है, रेलवे स्टेशन का कायाकल्प नहीं हो रहा। देखिए देखिए मैं देखिए मैं पैसेंजर सर्विसेज कमेटी का भी सदस्य रहा हूँ, भारत सरकार में छत्तीसगढ़ में केवल एक व्यक्ति ही रहा हूँ। थोड़ा सा मेरा बात को ध्यान दीजिए। जहाँ तक ट्रेनों की बात है, आप 9 साल में रेलवे का जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, जो 20,000 से आज 64,000 किलोमीटर हो गया, और कितने पुल, कितने ओवरब्रिज, यहाँ पे डिस्प्ले जो लगाने का मेरे से मांग किए थे हमारे रामावतार अग्रवाल जी, उसको करवाए थे। जो जो ट्रेनों के स्टॉपेज की बात चल, स्टॉपेज की बात है, अरे सुपर फास्ट को आप हर स्टेशन में दोगे क्या? आप ही कहते हो ना कि हमको एकदम 300 किलोमीटर में चाहिए, तो जो जिसकी आवश्यकता होती है। ये सुपर फास्ट ट्रेन में बैठना है तो आपको रायगढ़ या जांजगीर जाना पड़ेगा। देखिए जब से हमारे भूपेश सरकार आया है, तब से विकासों का पूरा गंगा बहा रहे हैं। उन्होंने किसानों के प्रति, जनता के प्रति जो योजना निकाले हैं, आज तक भाजपा ने सपना में नहीं देखा है। सर मैं बीजेपी वाल एक मिनट मैं बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूँ, जो कि हमारी भारत के महिला पहलवानों के द्वारा गोल्ड मेडल जीते जाता है, तो उनको स्वागत की जाती है। स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं, स्थानीय मुद्दों पे हम बात करते हैं। जी 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 सर, मैं सबसे पहले तो अभी निर्मल सिन्हा जी जो बोले उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज ये और रेलवे के लिए बात कर रहे थे, आज रेलवे कौन सा यहाँ शक्ति या रायगढ़ के लिए अच्छा टाइम में चल रहा है? सबसे पहले तो यहाँ अडानी जी के कोयला मालगाड़ी को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जा रहा है और पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया जा रहा है, कौन सा सही टाइम में चला रहा है? देखिए भैया, इन लोग विकास की बात करते हैं, सबसे पहले एक रोड बन रही है जय जयपुर से मिशन चौक का। अभी 3 दिन पहले हम लोग को चक्का जाम करना पड़ा, विगत तीन वर्षों से वो रोड बन रही है। और सबसे पहले बताना चाहूँगा, ये भूपेश बघेल की सरकार हम लोगों के ऊपर FIR करी है। अरे सबसे पहले यहाँ सट्टा का बात उठा था, अरे ये सरकार मौन है क्या? ये कुछ और सवाल लेते हैं। जी मैं पकड़ लेता हूँ, आज बात की जाती है आज के युवा की, अगर तो अभी युवा क्या सोचता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब आपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा कि हम शराबबंदी करेंगे, अब चुनाव 6 महीने बचे हैं और आप अभी तक शराबबंदी नहीं कर पाए हैं। अभी स्थिति ऐसी है कि घर के लड़कों को खाने के लिए उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं है, लेकिन वो घर से चोरी करके ला रहे हैं और शराब पी रहे हैं, तो आज का युवा क्या करेगा? कुछ और सवाल सरकार कर रही है, कुछ और सवाल लेते हैं। जी जी अब बताइए, खड़े हो जाइए। जी भाई साहब, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिस घोषणा पत्र से कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, जिस झूठे घोषणा पत्र से वो सरकार बना के बैठे हैं, उसी घोषणा पत्र को जनता पकड़ के बैठी है और इंतजार कर रही है आने वाले चुनाव का, कि कब वो चुनाव में अपने वोट मांगने के लिए आए और उनको धुतकार कर अपने घर से बाहर भेजे। इस घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं हुए, ये आरोप भी लग रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, कुछ और जी 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 आप बड़ी देर से बुला रहे हैं। जी कहिए जी। हाँ। मोदी सरकार को बने 9 साल हो गया, 9 साल में उन्होंने जो वादा किया था, पहला क्या वादा किया था? 2 करोड़ हर साल युवाओं को रोजगार नौकरी दूंगा, पहला।
दूसरा 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 क्या बोला था, 15-15 लाख उनके खाते में डालूंगा, ठीक है। तीसरा वो क्या बोले थे कि महंगाई कम करेंगे, और आज की आज भारत देश की दशा क्या है और दिशा क्या है ये लोग बताएं। रेलवे की जो बात कर रहे थे इनसे मेरा पूछना है भूपेश बघेल जी से, रेलवे कॉरिडोर जो आपका खरसिया से लेकर रायपुर और आपका बिलासपुर से लेकर पिंडर रोड से कवर्धा, कवर्धा से राजनांदगांव, राजनांदगांव से आपका बस्तर तक का कहाँ है आपका? एक रुपए बजट में आपने दिया, डॉक्टर रमन सिंह ने पूरा उसका फास्ट ट्रैक से उसको मुआवजा का काम शुरू कर दिया था। ये रेलवे की बात करते हैं, कौन सा मुद्दे बात करेंगे? चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। फ्लाई एश भी इस क्षेत्र का एक बड़ा मुद्दा है, प्रदूषण, स्वास्थ्य सुविधाएं भी एक बड़ा मुद्दा है, क्यों सरकार को सब दिखाई नहीं दे रहा है? छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को यहाँ का प्रदूषण इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं, आज आप शक्ति के इर्द गिर्द आप लोग आए हैं एनएच से, राखड़ पटाई चल रही है, इसमें हम लोगों ने बार बार आपत्ति की है कि लोगों को इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होगी, पर ध्यान नहीं दिया। और जो बात आप यहाँ पर चालू किए कि ये हमारे भगवान राम का ननिहाल है, जिसकी बात आज कांग्रेस कर रही है, ये कांग्रेस किस मुंह से जवाब देगी जो झूठे दिखावे करती है? सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 32 वकील राम मुद्दे पर, हमारे राम मंदिर के मुद्दे पर वकील विरोध में खड़े किए, ये किस मुंह से बात करेगी? जी, जी, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? जी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारी अधूरी ज्ञान है, कांग्रेस के लोग बोलते हैं बीजेपी के लोग को अधूरी ज्ञान है, लेकिन आप देखिए शिक्षा के स्तर को लेकर अधूरी ज्ञान वाली बात, जहाँ हाई स्कूल चलती थी वहाँ एसपी कार्यालय हो गया, तो ये अधूरी शिक्षा हो गई। दूसरी बात हो गई आपकी, यहाँ विकास हो रहा है लेकिन 2.5 लाख की बनने वाली प्रतीक्षालय 7.5-7 लाख में बढ़ी, डेमेप फंड की डेमेप का घोटाला करना, 20-20 लाख की गौठान बन रही, वहाँ 2 लाख की काम नहीं होना, वहाँ की अध्यक्ष गौशान समिति के अध्यक्ष, वहाँ के सरपंच परेशान है, तो कैसा विकास? जहाँ के लोग परेशान है, जहाँ के पब्लिक परेशान। जवाब लेंगे इसका, क्योंकि सीधा सीधा भ्रष्टाचार और घोटालों का आरोप लग रहा है, तो मुझे लगता है कि इसका जवाब लेना चाहिए। घोटालों को लेकर, डीएमएफ को लेकर घोटाले के आरोप लग रहे हैं। जी, इस मैटर में डीएमएफ को लेकर घोटालों में लेकर घोटालों के आरोप। देखिए, मैं आपको स्थानीय मुद्दे की बात कर रहा हूँ। स्थानीय मुद्दे में ये है कि यहाँ इससे पहले सांसद थी कमला देवी, अभी गुहाराम अजगल्ले हैं, ये दोनों शक्ति से नदारद हैं। कमला देवी पाटले के बारे में तो हमने पेपर में गुमशुदा का इश्तिहार भी दिया था। हमारे रेलवे स्टेशन को आप जाके देखिए, रेलवे स्टेशन को जाके देखिए, ना वहाँ पीने का पानी है, और पूरे इस 10 साल में एक भी ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ नहीं हुआ है। ये तो है इनकी सरकार। जिला भाजपा अध्यक्ष से इसका जवाब लूंगा, क्योंकि ये बार बार आरोप लगते हैं कि सांसद लापता है, बार बार ये आरोप लगते हैं सांसद लापता। शक्ति में विधायक विधानसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, जनता की आवाज़ में बता रहा हूँ कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अधि सूर, ऐसे बड़े आदमी हो। गुलजार जी, ये तो स्पीकर जी के बारे में बोल रहे हैं सीधा सीधा। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, ना कहूँ से बैर, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। रेलवे स्टेशन के बारे में जिला शक्ति जिला बना है, रेलवे स्टेशन शक्ति जैसे 20 साल से था वैसी है, ये भाजपा की है, ये मोदी की कारस्तानी है ना। मैं एक चीज और इनको बताना चाह रहा हूँ, ये जो बोल रहे हैं ना जैसे पेड़ खजूर, ये गुहाराम अजगल्ले जी के लिए लागू हो रहा है। ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष शक्ति विधायक डॉक्टर चरण दास महंत, जिनको 90 विधानसभा की जिम्मेदारी है, उसके बावजूद शक्ति विधानसभा में उनके द्वारा जो समय दिया जा रहा है, ये अपने आप में उल्लेखनीय। कुछ और सवाल है, आप बैठिए, आप बैठिए, मैं बात करता हूँ, बैठिए ना, मैं बात करता हूँ, बैठिए, आप बैठिए, मैं बात करता हूँ, केंद्र केंद्रीय विद्यालय से लेकर, आप बैठिए, मैं बात कर रहा हूँ, सीट सारा काम केंद्र करवा रहा है, आप बैठिए, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी, कुछ और युवा है जी, बताएंगे। आप सबको मेरा धन्यवाद। आप लोगों ने विकास की बात कही है छत्तीसगढ़ में, तो विकास तो हुआ नहीं, विनाश होने का काम किए हैं, चाहे बीजेपी का गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस का गवर्नमेंट हो। युवाओं को तो रोजगार नहीं मिला, शराबबंदी के बात की, शराबबंदी नहीं हुआ ना, तो किसानों को 20 क्विंटल की बात कही है। आज वर्तमान में सरकार है कांग्रेस की और बीजेपी के भी रही, मगर किसानों को 20 क्विंटल धान नहीं खरीदा गया, इसके बारे में पूछना चाहता हूँ इन लोगों को। चलिए और बात करेंगे हम, कुछ और युवा उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे?
शिक्षा का बात ये कर रहे थे, मैं विधानसभा चंद्रपुर से आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में महाविद्यालय स्वीकृत हुआ था, विगत 4 साल से वो कॉलेज उसमें बच्चे शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे और बच्चे जब सड़क पे उतरे तो बच्चों के ऊपर FIR किया गया। ऐसी सरकार की नियत है। कुछ और सवाल लेते हैं, आप कुछ हाँ बोल रहे थे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, महाविद्यालय जांजगीर और चांपा में था, शक्ति में अशासकीय महाविद्यालय था, लेकिन नगरदा चाहे जय जयपुर की बात, बिर्रा की बात, हंसौत की बात, माल खरोदा की बात, जहां आधा था उसको पूरा करवाए, वैसी आपका चंद्रपुर की बात, डबरा की बात, और जहां हायर सेकेंडरी की बात है करीब 150 से लेकर 170-180 तक। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि कौन सा रोड आपके शक्ति जिले का अच्छा था, ये लोग बोल रहे हैं ना, चाहे आप देख लीजिए शक्ति से लेकर चंद्रपुर तक, चाहे भारद्वार से हंसौत तक। अरे भाई, जो भी काम हुआ है डॉक्टर रमन सिंह की सरकार भाजपा के साथ हुआ है। और दूसरी बात, केंद्र की बात आती है, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात है, चाहे कोई भी बात हो, रमन सिंह की सरकार ने पूरा किया है, रमन सिंह की सरकार ने ही किया है। आप जब बार बार इन लोग बोलते हैं, क्यों कांग्रेस को पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज नहीं दिखते, क्यों कांग्रेस को पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज नहीं दिखते, क्यों ये कहते हैं कि 15 साल में बीजेपी ने क्या किया? ये पिछले 4 साल से अगर आप देखेंगे तो जो 15 साल में भाजपा के शासनकाल में काम हुआ है, अगर हम बात अपने चंद्रपुर विधानसभा की करें तो जो काम 10 साल में भाजपा के कार्यकाल में हुआ है, चाहे सड़कों से लेके, स्कूलों से लेके, कॉलेज से लेके, पुल पुलियों से लेके, स्वास्थ्य केंद्रों से लेके, हर काम चंद्रपुर में भाजपा के शासनकाल में हुआ है। विगत 4 वर्षों से चंद्रपुर में कोई नया काम, ना कोई नया स्कूल खुला है, ना कोई नई सड़कें आज 4 साल तक नहीं बन पा रही है चंद्रपुर में। इसका जवाब लेंगे, मैं आ रहा हूँ आपके पास। 4.5 सालों में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, सीधा आरोप है जी। जी, ये लोग विकास की बात करते हैं, ये नेशनल हाईवे बनना है 476 करोड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है, सिवनी से चांपा से लेकर शक्ति तक की सड़क बना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है, शक्ति से लेकर टुंडी तक 81 किलोमीटर 100 करोड़ से ऊपर की सड़क है, 4.5 साल हो गए अभी तक बना नहीं पाए हैं, सुंदरेली द्वारी से मसनिया की सड़क अभी 2 किलोमीटर अभी तक बचा है, बरपाली कलश है जो है बासिनपाट तक का सड़क ये भी अभी अधूरा है, छिंदमुड़ा से बरपाली कलश तक अभी अधूरा है, बासिन से जो है पासित किरारी खूंटा धारा नंदौर कला मार्ग 20 करोड़ अभी भी शुरू नहीं हुआ है, और टेमर से लिमतरा मार्ग अभी शुरू नहीं हुआ है, बहुत सारी सड़कें हैं। जवाब लेते हैं सीधा आरोप ये है 4.5 सालों में क्या किया है कांग्रेस ने, ये सब जवाब पूछ रही है बीजेपी। जरा आप शांत रहिए, मैं एक जवाब देता हूँ। पहली बात तो यह है, आप जब सुन, पहली बात यह है कि भाजपा की अभिनेत्रियों ने एक चीज बोला, पहले सुनिए, बोला कि महिला के ऊपर भूपेश सरकार क्या कर रही है उनकी सुरक्षा के ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ, नौ पहलवाने दिल्ली में बैठी हैं, हमारी बहनें बेटियां 4 महीने से बैठी हैं, जिनका यौन शोषण हुआ है, एक भी बीजेपी का बता दे आदमी जो उनके अगेंस्ट में कुछ बोला हो। 9 साल से हो रहा है ना, उनके कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात ये बोल रही है, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे भूपेश सरकार ने जो बच्चे, गरीब बच्चे इंग्लिश में पढ़ नहीं सकते थे, उनके लिए आत्मानंद स्कूल खोला है, जो गरीब बच्चे फिर वो आत्मानंद स्कूल के हैं। जय जय भूपेश बघेल, जय जय। चलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं ये जिला के भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अभिमत जानना चाहता हूँ कि ये लोग, पार्टी के लोग, शक्ति कन्या महाविद्यालय को जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में खोलना चाह रहे कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपना मत दे। कुछ और पीछे कुछ युवा है, उनसे हम सवाल लेते हैं। पीछे कुछ युवा है, उनसे सवाल लेते हैं। जी जी, बताइए। सर, मैं सबसे पहले तो आप, मैं ये बता दूं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों मिली भगत हैं। यहाँ विकास कुछ नहीं हो रहा है। 15 साल से बीजेपी काम कर रहा था, अभी आ गए 4.5 साल कांग्रेस आ गए। अभी तक शिक्षा में कौन सा अच्छा काम किया है, ना बीजेपी ना कांग्रेस, बताइए आप मेरे को। अभी तक बच्चों इतना स्कूल में है, कॉलेज में सीट खाली है, सीट फुल हो जा रहा है, बच्चा खाली है, इसमें एडमिशन नहीं हो रहा है। कुछ और सवाल लेते हैं। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप, बताइए। हाँ,
अभी तक भाजपा और कांग्रेस ने शिक्षा और स्वास्थ्य और बिजली पानी पर कोई बात नहीं किया है। शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पर कोई कांग्रेस ना भाजपा बात नहीं किया है। देखिए यहाँ आत्मानंद स्कूल खोलने का ढिंढोरा पीट रहे हैं माननीय भूपेश बघेल जी। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूँ, मैं जो पिछला सत्र में 1058 जो स्कूल है पूरे जांजगीर जिला में, उसमें 10 आत्मानंद स्कूल खुला है। लगभग 1058 को बदलने में, आत्मानंद स्कूल बदलने में 100 साल से भी ऊपर का समय लग सकता है। आप बताइए शिक्षा स्वास्थ्य पर कोई काम नहीं। चलिए चलिए, ये जो बात कर रहे हैं कि हमारी जो पहलवान बहने हैं उसके लिए केंद्र सरकार ने एक तो FIR दर्ज की है, परसों दिल्ली पुलिस ने, स्थानीय मुद्दों पे बात करते हैं, स्थानीय मुद्दा ये परिवार सहयोग कमीशन PSC में जो इतना बड़ा घोटाला छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ हुआ है। दूसरी बात, भुवनेश्वर साहू की मृत्यु पे इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, लखीमपुर के यूपी में 50 लाख दे के आते हैं, क्या छत्तीसगढ़ के साथ ये धोखा नहीं है? एक मिनट, जो जल कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। जी बताओ। स्वास्थ्य के नाम में कांग्रेस कलंक है। मैंने छपोरा में गया था सर, वहाँ 20 लाख की घोषणा किया था, मेरे को हिप की हड्डी मेरा खराब हो गया था। मैं 6 महीने से जो रायपुर से शक्ति और चरणदास महंत को भी आवेदन दिया था। ये झूठी सरकार है, चूतिया बनाने वाली सरकार है। मेरा वीडियो वायरल हुआ है सर, मेरे को 20 पैसा नहीं मिला है सर, 20 लाख की बात कर रहा हूँ। मैं हिप पार्टी का ऑपरेशन कर रहा हूँ। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। आज मैं शक्ति नगर पालिका के क्षेत्र में मैं बात करना चाहूँगी कि जिस प्रकार से शक्ति में चरणदास महंत जी जो हैं वो विधानसभा अध्यक्ष हैं और यहाँ के विधायक हैं, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार से साफ सफाई के बारे में और नहीं जनता के बारे में सोच लिया जाता। आज आप जाकर देखिए, ये तो विकास के दावे कर रहे हैं। नाले को देखिए, नाले पूरा कचरे से भरा है और न पानी की व्यवस्था हो पा रही है नगर पालिका के द्वारा, न नाले की सफाई हो पा रही है। मैंने SDO को कलेक्टर ऑफिस में जाकर कलेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट किया, नगर पालिका के CMO को भी निवेदन किया। ये नगर पालिका अध्यक्ष से बात करेंगे, स्थानीय मुद्दा आया है सफाई को लेकर, एक बड़ा मुद्दा है यहाँ का, मैं जवाब लेंगे एक, मैं लेता हूँ जी, बैठिए प्लीज प्लीज। अच्छा चलिए, मेरे पास है इसका जवाब, मेरे पास है सर। ये बहन जो बोल रही है कि शक्ति में साफ सफाई नहीं है, इनको बताइए जो एक सेकेंड, केंद्र में केंद्र की सरकार पूरा इंडिया की सर्वे करवाती है कि स्वच्छता की रैंकिंग देती है। पहले बार शक्ति को ऑल इंडिया रैंकिंग में नॉर्थ जोन में चौथा रैंक मिला है, चौथा रैंक, जो पहले इनके समय में 80 रैंक था, पता लगा लीजिए, चौथा रैंक सफाई में शक्ति आता है और ये सफाई की बात कर रहे हैं। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। हाँ, कुछ बोल रहे थे। मैं निर्मल जी का जवाब देना चाहूँगा। जो हमारा नेशनल हाईवे बना है, 4 लेन बना है, अभी तक 2 लेन क्यों बना है? 2 लेन क्यों बना है और 12 द्वार के बीच से कैसे बना हुआ है सिटी के अंदर से, जबकि 2 बार निरीक्षण हो चुका था बाहर से, मगर सिटी के अंदर से हो गया है। उसमें 2-3 आदमियों की मौत हो चुकी है, 2-3 आदमियों की मौत हो चुकी है, उसका कारण कौन है? बीच शहर से NH निकला हुआ है, ये सड़क से NH इसलिए निकला हुआ है कि रेलवे ट्रैक है एक तरफ, दूसरे तरफ फैक्ट्रियां हैं। अगर कहीं से अगर जगह अगर करेंगे तो 4-5 किलोमीटर शहर से बाहर होता, और इसका बनाने का श्रेय वहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों को है, उसके बाद वहां के नगर पंचायत अध्यक्षों को है। केंद्र सरकार की जो NHI है उसका काम है बनाने का काम, लेकिन उसकी सर्वे और मेंटेनेंस और उसकी अन्य कार्य है वो सही ढंग से अलाइनमेंट देने का काम राज्य सरकार, वो बड़े मुद्दे उस पर भी हम बात कर। शिक्षा और स्वास्थ्य पे बोल रहे थे, 4-4 महीना 5-5 महीना हो गया यहाँ पे कॉलेज की घोषणा हुए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज तक 1 डिसमिल भी जमीन कॉलेज के लिए अलाट किए क्या? स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, एक भी आप यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र देखिए, उप स्वास्थ्य केंद्र देखिए, अगर पात्र लोग कहाँ आपको MBBS मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है एक भी जगह हो तो वो भी बताएं। एक जी, ये लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं,
शिक्षा में जो है इनको बोलने का अधिकार नहीं है। अरे 55 साल तक इस शक्ति विधानसभा में यहाँ कभी कॉलेज नहीं था। अगर यहाँ पर पहली बार कॉलेज खुला है तो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सरकार में खुला है, और तीसरी सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सरकार में हुआ है। और शिक्षा जिला पहली बार 27वां शिक्षा जिला जो है, 28वां जो शिक्षा जिला शक्ति हमारा बना है। और ये शिक्षा की बात करते हैं, और ये जो बिल्डिंग भी दिख रही है, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ वीआईपी जगह है, यहाँ पानी की। एक बड़ा आरोप सरकारी जमीनों की बिक्री के भी लग रहे हैं कि सरकारी जमीनों की लगातार बिक्री हो रही है, ये भी आरोप लगातार लगते रहे। देखिए, इस सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार बिल्कुल लिप्त है। आज सरकार के पास, शासन के पास पैसा नहीं है, और हजारों करोड़ का कर्जा लेके इस सरकार ने किया क्या है? कहाँ बंदरबांट हुआ है जो हजारों करोड़ का कर्जा इस सरकार ने लिया है? किसानों को जो उन्होंने कर्ज माफ किया, उसके बावजूद कोई डेवलपमेंट, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे प्रदेश में कहीं नहीं बना, तो हजारों करोड़ का कर्ज लेके सरकार ने किया क्या है? तो जाहिर तौर पर मुद्दों की कमी नहीं है, और हम ये जानते हैं कि जनकारवा के इस मंच के जरिए हम लोगों से बात कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो मुद्दे यहाँ पे उठाए हैं वो सरकार तक पहुँचेगा और कहीं ना कहीं ये समस्याएं सुलझेगी। तो जनकारवा फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।